Hello everyone, welcome to my channel, The Learning Baba. Today is 19th of March 2019 and we will discuss the current affairs related to 19th of March. So let's start. Recently, Goa CM Manohar Parikar, the man who won many battles, succumbs to illness. So recently, Goa ki CM Manohar Parikar ki death ho gayi hai at the age of 63. So, Goa ke Panji mein, Chief Minister of Goa and former Defense Minister of India, Manohar Parikar ji ki cancer ki wajah se death ho gayi hai Sunday ko. Ye hai Manohar Parikar, jo ki Goa ke CM the. So, unki death ke baad, Goa mein Pramod Sawant, jo ki BJP ke hain, unhe as an Chief Minister appoint kar diya gaya hai. Ye hai ab Goa ke CM Pramod Sawant. So, Goa ke CM banaya gaya hai. So, you should know Goa is India's smallest state. Goa ki capital hai Panji, governor hai Mridula Sinha aur Chief Minister banaye gaye hain Pramod Sawant. Here it is Goa in the map. Next news is ex-ISRO scientist wrongly implicated in a spy case now receives Padma Bhushan. So, former ISRO Indian Space Research Organization के साइंटिस्ट थे नेम्बी नारायणन, उन्हें अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है. ये है हमारे राष्ट्रपति और इन्होंने एक्स इसरो साइंटिस्ट नेम्बी नारायण, ये है नेम्बी नारायण जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है. सो नेम्बी नारायण को स्पाई केस, जो कि इसरो में एक स्पाई केस हुआ था, उसमें एक्यूज किया गया था, लेकिन उसके बाद वो एक्यूजेस रॉन्ग साबित हुए थे और उन्हें फ्री कर दिया गया था एक्यूजेस से. उनके वर्क को रिस्पेक्ट देने के लिए रिसेंटली 25 जनवरी को एक मूवी भी रिलीज हुई थी जिसमें स्टार थे आर माधवन, इन्होंने नाम्बी का किरदार निभाया था और मूवी का नाम था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट. ये है नारायण नाम्बी और इन्होंने इसरो में हुए इवेंट्स के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस. नेक्स्ट न्यूज इज केटी इरफान बिकम्स फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स. सो टोक्यो ओलंपिक्स जो कि जापान में होने वाले हैं 2020 में, उसके लिए इंडिया की तरफ से पहले क्वालिफायर बने हैं केटी इरफान. केटी इरफान ने रिसेंटली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है. और इन्होंने क्वालिफाई कैसे किया है, एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हो रही थी जापान में ही 20 किलोमीटर्स की, जिसमें की क्वालिफाइंग टाइम था 21 आवर 21 मिनट्स और इन्होंने रेस को 1 आवर 20 मिनट्स 57 सेकेंड में ख़त्म करके क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक्स के लिए. ये हैं केटी इरफान. नेक्स्ट न्यूज इज पिनाकी चंद्र घोष सेट टू बी इंडियाज फर्स्ट लोकपाल. सो पिनाकी चंद्र, ये हैं पिनाकी चंद्र और इन्हें नॉमिनेट किया गया था टू बी इंडियाज फर्स्ट लोकपाल और इनका नेम क्लियर हो चुका है और ये बनने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट लोकपाल. सो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे और करेंटली मेंबर हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के. पिनाकी चंद्र घोष को नॉमिनेट किया गया था एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन या लोकपाल बनने के लिए और रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसके मेंबर्स थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और CJI रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मुकुल रोहतगी. इन सब मेंबर्स की कमेटी ने इनका नाम क्लियर कर दिया है टू बी इंडियाज फर्स्ट लोकपाल. यू शुड ऑल्सो रिमेंबर की लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खारज हैं, इन्हें भी इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था बट इन्होंने एज अ स्पेशल इनवाइटी मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया. सो फैक्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इज मल्लिकार्जुन खारज. नेक्स्ट न्यूज इज चेस सेट फॉर कमबैक एट 2022 एशियन गेम्स इन होंगजू. होंगजू चाइना में 2022 के एशियन गेम्स होने वाले हैं जिसमें अगेन चेस को इंक्लूड कर लिया गया है. सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है जिनकी मीटिंग हुई थी रिसेंटली 3rd of March को बैंकॉक में. इन्होंने उस समय क्रिकेट को इंक्लूड किया था एशियन गेम्स में दोबारा, जो कि 2022 में होंगजू चाइना में होने वाले हैं और अभी अभी
उन्होंने चेस को भी इंक्लूड कर लिया एशियन गेम्स में। यू शुड रिमेम्बर कि एशियन गेम्स जो करवाती है कमिटी, उसका नाम है एशिया जनरल असेंबली। इसके प्रेसिडेंट है शेख अहमद अल फतह अल सबह। और वर्ल्ड चेस, जो कि चेस को इंक्लूड करने के लिए डिसीजन है, वर्ल्ड चेस ने एक्सेप्ट कर लिया है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है आर्केडी द्वारकोविच, आर्केडी द्वारकोविच हैं उसके प्रेसिडेंट। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का डिसीजन है, प्रेसिडेंट का नाम है अहमद अल फहद अल अहमद अल सबह, हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी कुवैत में, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1982 में। नेक्स्ट न्यूज इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप्स डेवलप फॉर हिमालयन स्टेट्स। सो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप्स को डेवलप किया है हिमालय के नियर बाय स्टेट्स के लिए। तो इसका रीजन क्या है? हिमालयन रीजन जो है इंडिया का, वो मोस्ट सेंसिटिव क्लाइमेट जोन्स है, जोन्स में से एक है ग्लोबली। क्यों मोस्ट सेंसिटिव जोन्स कहलाता है? क्योंकि इनमें क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफरेंट हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, काइंड ऑफ डिजास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, और साथ ही साथ बहुत सारे डिसीजेस भी होते हैं। लेकिन ये सब वल्नरेबिलिटी और सीवियरिटी जो होती है इन इवेंट्स की, स्टेट टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विद इन अ स्टेट भी वेरी होती है, और इन पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को अकाउंट में रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए इंडियन साइंटिस्ट ने एक कॉमन फ्रेमवर्क डेवलप किया था, जिसकी हेल्प से क्लाइमेट चेंज की सीवियरिटी या वल्नरेबिलिटी को असेस किया जा सकता है हिमालयन रीजन्स के स्टेट्स में। सो इट इज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क विच वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप। ये हैं उन स्टेट्स के नाम, यू कैन रीड ऑल दीज नेम्स। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनजीटी एक्ट स्टफ ऑन एयर पॉल्यूशन डायरेक्ट सिक्स स्टेट्स टू सबमिट एक्शन प्लान्स बाय 30 अप्रैल। सो रिसेंटली नेशनल ट्रिब्यूनल ने वार्न किया है कुछ स्टेट्स को, जिनकी सिटीज को एयर पॉल्यूशन की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, एक डेडलाइन दी है अप टू 30 मार्च टू सबमिट देयर एक्शन प्लान टू फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए स्टेट्स, जिन भी स्टेट्स ने एक्शन प्लान सबमिट नहीं किया गया है, उन स्टेट्स को 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। सो अगर ये डेडलाइन तक स्टेट्स या सिटीज अपने एक्शन प्लान सबमिट नहीं करते हैं, तो उन्हें पे करना पड़ेगा एनवायरमेंट कंपेंसेशन ऑफ 1 करोड़। ये अनाउंसमेंट की है एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने। और स्टेट्स जिनको ये नोटिस दिया गया है, उनमें असम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड शामिल हैं। सो ये डायरेक्शन अभी दिया गया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया CPCB ने जो 102 स्टेट्स या सिटीज की लिस्ट निकली थी, टोटल 102 सिटीज की लिस्ट निकली थी, उनमें से केवल 83 सिटीज ने एक्शन प्लान सबमिट किया है, 19 सिटीज ने सबमिट नहीं किया था। 19 सिटीज के लिए अभी अभी नोटिस जारी किया है एनजीटी। नेक्स्ट न्यूज इज सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन रेडी फॉर इंडक्शन। सो सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन रेडी हो गई है, जिसका नाम है खानदेरी, और इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2017 में, लेकिन इसके बाद इसके ट्रायल्स चल रहे थे, इसको चेक किया जा रहा था, लेकिन मार्च में के अर्ली वीक्स में इसे यूज करना स्टार्ट किया जाएगा, इसका इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है MDL मुंबई ने। MDL स्टैंड्स फॉर मेजागन डॉक लिमिटेड, और इसकी हेल्प की थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ने। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फ्रांस गवर्नमेंट के साथ 2005 में, जिसके अंडर टोटल नंबर ऑफ 6 सबमरीन्स डेवलप की जानी है, और ये प्रोजेक्ट 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड सबमरीन है खानदेरी, तो बाकी सबमरीन्स के नाम क्या हैं? फर्स्ट सबमरीन वॉज कालवारी, सेकेंड सबमरीन इज खानदेरी, थर्ड सबमरीन इज गोइंग टू बी करांज, फोर्थ इज गोइंग टू बी वेला, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ गोइंग टू बी वागीर एंड वाक्शीर। दीज आर दी नेम्स ऑफ सबमरीन्स जो कि MDL डेवलप करने वाला है नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ। नेक्स्ट न्यूज इज
Nara Lokesh, Poonam Mahajan, Indians in Young Global Leader List WEF. So अभी World Economic Forum की लिस्ट आई है जिसमें आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश, बीजेपी MP पूनम महाजन और ज़ियोमी इंडिया की हेड मानु कुमार जैन को शामिल किया गया है। ये इंडियंस हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में जारी हुई लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ 127 वर्ल्ड के लोग हैं अंडर द एज ऑफ 40 जो कि हैं सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेस लीडर्स, पब्लिक सर्वेंट, आर्टिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट। इनमें से 127 पीपल की लिस्ट बनाई गई है और इंडिया की तरफ से इन लोगों के नाम उस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट है। सो यू शुड नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1971 में, क्लाउस स्क्वैब ने इस फाउंडेशन की थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट न्यूज इज अवीवा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम विंग्स। सो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने अभी स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है नेम्ड एज विंग्स। ये प्रोग्राम है टू एम्पावर दी वुमेन वर्कफोर्स, वुमेन वर्कफोर्स या फीमेल वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए है। इसको इनिशिएट किया गया है शी डिवीजन ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की, जो कि सभी वुमेन एम्प्लॉयज जो कि अवीवा में काम करती हैं उनको मेंटर करेगा। शी कैंपेन जो है उसको 2016 में अवीवा इंडियाज वुमेन नेटवर्क ने स्टार्ट किया था। यू शुड रिमेंबर विंग्स को स्टार्ट किया है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने। सो अवीवा ने स्टार्ट किया है, अवीवा का फुल नेम है पीटी अस्त्र अवीवा लाइफ जो कि इंश्योरेंस कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट न्यूज इज आई रिलेटेड टू 2019 IPL, BCCI ने ड्रीम 11 को ऑफिशियल पार्टनर बना लिया है इंडियन प्रीमियर लीग का। ये जो पार्टनरशिप है ये 2019 IPL सीजन से स्टार्ट होगी और 4 इयर्स की पार्टनरशिप है। इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प मिलेगी इंडिया में डिजिटल गेमिंग को बूस्ट मिलेगा। इस कैसे बूस्ट मिलेगा, ड्रीम 11 के थ्रू डिजिटल गेमिंग इंडिया में स्कोप बढ़ेगा। सो ड्रीम 11 के साथ पार्टनरशिप की है। सो ड्रीम 11 इज अ फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर थे भावेश सेठ एंड हर्ष जैन। इसे 2008 में जस्ट आफ्टर द IPL स्टार्ट किया गया था। यह है ड्रीम 11 का मोनो और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट न्यूज इज दीक्षा दागर बिकम्स यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑन लेडीज यूरोपियन टूर्नामेंट। सो LET लेडीज यूरोपियन टूर्नामेंट हुई है जिसे दीक्षा दागर ने जीत लिया है और इसके साथ ही यंगेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है लेडीज यूरोपियन टूर्नामेंट जीतने वाली। ये हैं दीक्षा दागर। सो दीक्षा दागर यंगेस्ट बनी है और साथ ही सेकेंड इंडियन गोल्फर बन गई है जिन्होंने LET जीता है। दीक्षा दागर सेकेंड बनी है तो फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट थी अदिति अशोक जिन्होंने 2016 में LET या फिर लेडीज यूरोपियन टूर, यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ LET, मैक्सिमम जगह पे LET यूज होता है, LET स्टैंड्स फॉर लेडीज यूरोपियन टूर और इसको जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी अदिति अशोक। नेक्स्ट न्यूज इज कोटक महिंद्रा बैंक एलिवेट्स KVS मनियन गौरंग शाह एज बोर्ड डायरेक्टर। सो कोटक महिंद्रा ने अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए हैं, उनके नाम है गौरंग शाह एंड KVS मनियन। ये हैं KVS मनियन और इन दोनों को KVS मनियन एंड गौरंग शाह को होल टाइम डायरेक्टर जिनकी एम्प्लॉयमेंट टर्म होगी 3 ईयर्स और अप्रूवल मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इन्हें अब कोटक महिंद्रा बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड कर लिया गया है। कोटक महिंद्रा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड किया गया है। सो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी फाउंडेशन की थी उदय कोटक ने। सो दिस इज ऑल अबाउट 19th of March 2019। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।